इस वक्त मौजूद है राजधानी पटना के कृषि भवन के पास, जहां पर काफी संख्या में किसान सलाहकार धरना प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से काफी संख्या में जो किसान सलाहकार हैं वो आए हैं हमारे साथ। इस वक्त बात करने के लिए किसान सलाहकार के प्रदेश अध्यक्ष राजाराम सिंह जी हैं। क्या मांग है आप लोगों को, क्यों पहुंचे हैं प्रदर्शन करने के लिए? हमारा सिर्फ एक ही मांग है, जनसेवक में समायोजन। 2010 में जनसेवक को कमी को देखते हुए किसान सलाहकार में बहाली हुआ था, लेकिन आज 2010 से आज 2013 साल का सफर हो गया है, लेकिन 14 में हम अनशन पर बैठे थे आर ब्लॉक चौराहे पर। उस समय तत्कालीन मंत्री के द्वारा निर्देश दिया गया था कि हमारे विभाग का रीढ़ है किसान सलाहकार, क्यों ये लोग हड़ताल पर बैठा हुआ, इसको हड़ताल तोड़वाया जाए। और डायरेक्टर साहब के द्वारा अनशन को तोड़वाया गया, लेकिन 14 से आज 2023 हो गया है, लेकिन हमारा फाइल बनकर तैयार है, कैबिनेट नहीं हुआ है। इसलिए आज पूरे बिहार के किसान सलाहकार आज रोड पर उतारू है। आपका क्या नाम हुआ? डॉक्टर रमन कुमार, कार्यकारी। आपकी आपका क्या मांग है? किसान सलाहकार का एक ही नारा, एक ही मांग, जनसेवक हक है हमारा। 13 वर्ष ने हम जो कृषि में सेवा दिए हैं, सेवा के आधार पर जनसेवक बिना किसी शर्त का जनसेवक में समायोजन होना चाहिए। 13 कोई कर्मी का 13 वर्ष सेवा में 13,000 रुपया वेतन, 13,000 रुपया वेतन से न हमारा परिवार चल रहा है, न बच्चों का पठन पाठन हो रहा है। इसलिए अब हम लोग दृढ़ संकल्प के साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल किए हैं। विधायक का वेतन 2,000, 2 लाख, 2.5 लाख रुपया, MP का वेतन 4 लाख, 5 लाख रुपया, और किसान सलाहकार का वेतन 13,000 रुपया। 13,000 से क्या होगा? इसलिए हम लोग आर पार की लड़ाई के मूड में है। हर हाल में जनसेवक हम लोगों को चाहिए। जनसेवक होगा तो हम लोग को स्वाभाविक राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। 28,000 से वेतन हम लोगों का स्टार्ट होगा, पेंशन की भी सुविधा रहेगी, अनुकंपा की भी सुविधा होगा। इसलिए पूर्व पहले भी 2010 में भी जनसेवक के रिक्ति को देखते हुए किसान सलाहकार की बहाली की गई थी। इसलिए हम इस माध्यम से आज के धरना और प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से आग्रह करते हैं, आज ही कृषि कैबिनेट करे और किसान सलाहकार को जनसेवक में समायोजन करने का काम करे। हम लोग स्वाभाविक तौर पर काम पर लौटने का काम करेंगे, अन्यथा हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। जब तक जनसेवक नहीं बनेंगे तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा, चरण बदान। आपने साफ तौर पर सुना किसान सलाहकार कि जनसेवक का डिमांड पूरा करे, जनसेवक का दर्जा दे, नहीं तो ये सरकार को ईंट से ईंट बजाने की भी धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 2014 से हमारी मांग है, लेकिन अभी तक जो सरकार है वो पूरी नहीं की है, आने वाले समय में अनिश्चितकालीन धरना भी देंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। धीरेंद्र कुमार, भारत न्यूज 24, पटना।